स्पॉन्सर्ड बाय एंजल लाइफ हेयर केयर एंड ट्रांसप्लांट, गंजेपन से छुटकारा पाने का रामबाण इलाज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे भाइयों के खिलाफ अभी सूरजपाल ने मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें रंगदारी और मारपीट का केस बताया है उसने, और ये 6 महीने पहले के बताया है कि 6 महीने पहले ऐसा हुआ था। आप भी बताएं, 6 महीने का पहले का केस अभी दर्ज करा रहा है। सबसे पहला झूठ तो ये साबित होता है उसका। सेकंड केस है उसका कि वो मेरे भाइयों की ज़मीनों पे अवैध कब्जा खुद कर रहा है। उसका गवाह है और सबूत भी है हमारे पास, उसकी जो उसने कॉल्स की थी मेरे भाई को धमकाने के लिए कि ज़मीन छोड़ो या फिर पैसे दो, नहीं तो सामने से देख लेंगे और तुम्हारे साथ क्या करेंगे, इसकी मेरे पास कॉल्स है, डिटेल्स है। और मुझे इशारे पे किया जा रहा है ये सब, मुझे इसका नहीं पता कि किसके इशारे पर, लेकिन सूरजपाल ही सामने आया है। सूरजपाल ही, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे प्रशासन और सरकार से पूरी उम्मीद है, मेरे भाई निर्दोष हैं, मुझे उनसे इंसाफ चाहिए सरकार से। और ऐसा गलत काम और ऐसा गलत करने वाले जो ऐसा फर्जी मुकदमा दर्ज कराते हैं उनको एक सबक मिले, वो आइंदा से ऐसा फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के बारे में 100 बार सोचे और किसी निर्दोष को सजा मत मिले। बस मैं यही चाहती हूँ सरकार से। देखिए, आरोप आप पर भी इसी तरीके के लगते हैं कि अतीक अहमद के नाम पर अकाली जफर ने तमाम लोगों की ज़मीनें कब्जा करी। अभी हाल में पीडीए ने मुकदमा भी दर्ज कराया, उसमें ये है कि बगैर जो नियम विरुद्ध तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग, तो इस तरीके के आरोप तो आप पर भी हैं जिसका आप पक्ष नहीं, से सारा सर गलत है। ऐसा कोई केस मेरे भाइयों के पास नहीं, ऊपर नहीं आया। अभी ये एक दो ये सूरजपाल लेके आया, इससे पहले एक जो है ये पुरानी दुश्मनी एक तरह से निकाल देते हैं ज़मीनों को लेकर, या कोई विवाद वो मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं हुआ मेरे भाइयों पर, कोई ऐसा केस नहीं है। आप इंक्वायरी करें, इंक्वायरी करवाएं, मुझे प्रशासन से ये है कि पूरी इंक्वायरी कराएं और जो इसमें सजावार हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, मत गिरोह से कोई संबंध नहीं, हम लोग बिल्कुल सीधे साधे हैं। मेरे अब्बा बिल्कुल सीधे साधे इंसान थे, कभी किसी से मारपीट नहीं की, वैसे ही मेरे भाई हैं दोनों। मुझे बस यही है कि आपके द्वारा मैं प्रशासन तक और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाऊँ कि मेरे भाई निर्दोष हैं, उन्हें न्याय मिले, इंसाफ मिले।